पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कटघर थाना क्षेत्र में पंडित नगला रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह 7:30 बजे दिल्ली ग्लोबल पब्लिक स्कूल की वैन में अचानक आग लग गई। वैन में कक्षा 6 से 12 तक के 10 विद्यार्थी थे। इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दिए और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाई। सुबह 9 बजे के स्कूल में आग, स्कूल वैन में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ स्टेशन कटघर से वहाँ से तत्काल एक मोटर साइकिल रवाना हुआ था और वहाँ पे पहुँच कर देखा तो स्कूल वैन में आग लगी हुई थी और जानकारी करने प्राप्त हुआ उसमें 10 बच्चे थे और जिनको आग लगने के टाइम पे ड्राइवर द्वारा ही इसको बाहर निकाल दिया गया था और वैन में लगी आग जो वैन का रूप में जल रही थी उसको एफएस यूनिट ने तत्काल बुझा दिया गया। नहीं, इक्विपमेंट तो उसमें था नहीं लेकिन उसमें मे बी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। इसमें स्कूल प्रबंधन को जिस जहाँ से ये बस संचालित थी तो उनको लिखा जाएगा कि भाई सारे जितनी भी बैंस बस स्कूल की हैं उनमें एक बार फायर ऑडिट करा के और अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।